और भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आ चुके हो आप मेरी वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक मिनट, मैं इस वीडियो कमोड में क्यों शूट कर रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता। सबसे पहले मैं बाहर निकलता हूँ, सॉरी गाइज। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को फ़ोन आता है लेस्टर का कि उसको एक बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है, तो वो यहाँ पे हमारे घर के नीचे आ चुका है। अब लेस्टर हमारे घर आया है मतलब उसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम होगा गाइज। तो हम यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे सुट्टा लगा रहा है, तो इसको लगाने देते हैं यहाँ पे सुट्टा और हम देखते हैं क्या कहने वाला है। यहाँ पे एक प्लान तैयार कर रहा है और बोल रहा है कि तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं तेरे को कुछ बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो गाइज इसने पूरा प्लान तैयार कर लिया। ये मेरे को बता रहा है कि एयरपोर्ट पे गोल्डन प्योर गोल्ड की एक कार खड़ी हुई है जो कि अभी अभी दूसरे शहर इंपोर्ट होने वाली है। अगर हम उसको चुरा ले गाइस तो हम बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, क्योंकि उसकी ब्लैक मार्केट में कीमत बहुत ज़्यादा है गाइस। मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनगिनती, मतलब उसकी कीमत है बहुत ज़्यादा महंगी है। तो मैंने इसको बोल दिया कि मैं इसको चुरा के लाऊंगा, लेकिन हम उसको बेचेंगे कैसे। इसने बोल दिया कि बेचना काम पूरा मेरा है, तो मैंने उसको हाँ बोल दिया है, वो जा चुका है। उसने बोलता कि तुम केवल उस कार को चुरा के मेरे को एक मिस कॉल दे देना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, तुमको केवल उस कार को चुराना है। तो मैं अपनी बाइक को लेके जा रहा हूँ गाइस, कार को इसलिए लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कार बहुत ज़्यादा कीमती है। मतलब इस वाली बाइक से, ये वाली बाइक तो हम नई खरीद लेंगे शोरूम से, लेकिन उस कार को थोड़ा मतलब मुश्किल ले लेना क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी कार है। तो हम चलते हैं गाइस जल्दी जल्दी अपनी बाइक को भगाते हुए एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि लेस्टर ने हमको बुलाया कि केवल एक घंटे के अंदर उसकी फ्लाइट है, उस कार को इंपोर्ट करके दूसरे शहर ले जाया जाएगा। तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं गाइस अपने एयरपोर्ट की तरफ अपनी बाइक को भगाते हुए। बाकी आप वीडियो का एंजॉय करो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो। गाइज मैं अपनी कार को भगाते हुए आ चुका हूँ एयरपोर्ट की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और लेस्टर का भी मेरे को फ़ोन आया था। उसने बोलता है कि जो पीछे वाला एक गेट है उसने वहाँ पे पूरी सेटिंग कर दी है। वैसे तो पूरे एयरपोर्ट को ब्लॉक कर रखा है अभी मतलब पुलिस फोर्स के द्वारा, लेकिन पीछे ये लेस्टर का एक दोस्त है जो कि हमारे लिए यहाँ पर गेट खोल देगा। देख सकते हो लेस्टर के मुताबिक यहाँ पर हमारे लिए गेट खुल चुका है। अब यहाँ पर उसने बोला था कि जो पीछे की तरफ तीन यहाँ पे वेयर हाउस टाइप के बने हुए, वहाँ पे हमारी जो गोल्डन प्योर गोल्ड की कार है वो रखी हुई है। तो जल्दी से मैं अपनी बाइक को भगाते हुए चलता हूँ। और लेस्टर ने बोला था कि तुम अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आना, तो मैंने उसको रास्ते में भी पहन लिया था। तो गाइज मैं अपनी बाइक को भगाते हुए एयरपोर्ट तो आ चुका हूँ, लेकिन मेरे को कोई आइडिया नहीं कि कहाँ पर है। यहाँ पर एक दो तीन वेयर हाउस मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एक पहला वो है, उसने बोला तो लास्ट में है, तो लास्ट में तो ये मेरे को ये दो दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ गाइज जल्दी से अपनी बाइक को भगाते हुए। तो गाइस ये रही, ये मिल चुकी है गाइस ये वाली। ओ गाइस देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई है गाइस, बहुत ज़्यादा ही मतलब। तो मैं इन सबको तो मार नहीं सकता, अगर मैं यहाँ पे अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं आता तो मैं यहाँ पे मारा जाता गाइस, आप देख सकते हो पुलिस फोर्स को। तो जल्दी जल्दी गाइस मैं यहाँ पे अपनी वेपन्स को चेंज करता हूँ और इन सबको जल्दी जल्दी मार के अपनी प्योर गोल्ड को कार को लेके भगता हूँ गाइस, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे को पकड़ लिया गाइस तो अच्छी मतलब कुत्ता बना के छोड़ेंगे। देख सकती हूँ उनकी फोर्स बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। और लेस्टर ने मेरे से बोला था ये किसी नॉर्मल बंदे की कार नहीं है, एक पॉलिटिशियन की कार है, अगर उसको पता चल गया कि हम उसकी कार चुरा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने इसलिए अपना हेलमेट नहीं उतारा। तो इनको मेरी बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कौन कार यहाँ पे चुरा के ले गया, तो मैं जल्दी इस कार को चुरा के ले जाता हूँ। और लेस्टर ने बोला था कि तुम कार को ले जाके कहीं छुपा देना, बाकी वो यहाँ पे अपने ट्रक को लेके आ जाएगा और उसके अंदर वो इसको इम्पोर्ट करके ले जाएगा और उसको ब्लैक मार्केट में सेल कर देगा। तो यहाँ पर मैंने इस कार को चुरा लिया है गाइज। अब जल्दी जल्दी मेरे को यहाँ पे निकलना पड़ेगा इस जगह। एक मिनट गाइज, यहाँ पे देख सकते हो गाइज स्क्वाड आ चुकी है, मतलब जो आर्मी वाली फोर्स होती है वो यहाँ पे वो भी आ चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही पुलिस फोर्स यहाँ पे लगी हुई थी पहले से ही। तो गाइज अभी जल्दी जल्दी मैं अपनी कार को भगाते हुए इस कार को छुपाने की व्यवस्था कर लेता हूँ। मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए गाइज, क्योंकि पुलिस यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। और ये वाली जो कार है दोस्तों एक अनब्रेकेबल बॉडी, मतलब इसकी बॉडी है वो अनब्रेकेबल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कार है, इसीलिए इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। बस इसके जो ग्लास हैं वो बुलेट प्रूफ नहीं है, अदरवाइज़ ये पूरी बुलेट प्रूफ एक कार है गाइज। तो गाइस जल्दी जल्दी मैं अपनी कार को भगाते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं तो छुपाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही घुमाता रहूँगा तो पुलिस मेरे को पकड़ लेगी और मेरे को मार देगी गाइस। तो जल्दी जल्दी मैं अपनी कार को यहाँ पे आसपास छुपाने की व्यवस्था कर लेता हूँ। और बाकी रियली गाइस कार बहुत ही औसम है। इसमें जो बीच में एक आपको व्हाइट कलर की पट्टी दिखाई दे रही है वो प्योर दोस्तों प्लेटिनम की बनी हुई है और पूरी ही प्योर गोल्ड की कार है दोस्तों। तो मेरे को ख्याल से ये वाली लोकेशन मेरे के लिए बहुत बढ़िया लग रही है कार छुपाने के लिए। यहाँ पे पुलिस अभी आई नहीं है क्योंकि ब्रिज के नीचे का दोस्तों हिस्सा है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया में मैं अपनी कार को छुपा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपनी कार को छुपाना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का आना मेरे को लगता है कि नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी कार को यहाँ पर झाड़ियों में छुपा देता हूँ और यहाँ पर एक और कार से इसको ब्लॉक कर देता हूँ गाइस।
तो मेरे को तो सही लग रहा है। वैसे सिस्टम देख सकते हो गाइस, पुलिस जा चुकी है यहाँ पे, तो मैं अपनी वेपन को अंदर रख लेता हूँ और मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। अगर पुलिस से अगर मैं अब और लड़ूंगा तो मारा जाऊंगा। तो यहाँ पे इन अंकल जी की कार को यहाँ पे मैं रखवा दिया गाइस, देख सकते हो आप। अब मेरे को यहाँ पे इंतज़ार करना है सिर्फ लेस्टर का, जल्दी जल्दी यहाँ पे लेस्टर आने वाला है। मैंने उसको मिस कॉल मार देना है गाइस, क्योंकि उसने बोला था कि तुम अपनी लोकेशन पे पहुँच के मेरे को मिस कॉल मार देना। तो यहाँ पे मैं केवल एक रिंग जाने पे उसको मिस कॉल यहाँ पे देता हूँ। अब मैं अपने फ़ोन को कट करता हूँ और उसका यहाँ पर इंतज़ार करता हूँ। तो गाइस पूरे एक घंटे बाद यहाँ पे लेस्टर आ चुका है, देख सकते हो। ट्रक को उसने तैयार कर दिया, पूरे एक बंदे को लेके आ चुका है वो और ट्रक के साथ। और ये ट्रक फुल्ली मॉडिफाइड है दोस्तों, मतलब अगर इसके अंदर कार को रख दिया जाता है तो किसी को भी पता नहीं पड़ेगा कि यहाँ इसके अंदर कार रखी है। तो लेस्टर बोल रहा है कि अभी हम इसके अंदर कार को छुपा के इस ट्रक को ही छुपा देंगे कहीं पर, और बाद में ब्लैक मार्केट में इस कार को मतलब बेच देंगे। तो ये जिनकी कार दोस्तों अंकल जी जा चुके, तो मैं उनकी कार को यहाँ से हटाता हूँ, अपनी गोल्डन कार को उसके अंदर लोड करता हूँ गाइज। क्योंकि अगर हमने इस कार को अगर और ज़्यादा देर यहाँ पे रखा तो पुलिस यहाँ पे आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पुलिस निकली भी थी गाइज, वो तो हमने पुलिस को बहला फुसला के यहाँ से भगा दिया गाइज। क्योंकि गाइज अगर पुलिस ने यहाँ पे इस कार को देख लिया तो वो हमको यहाँ पे अरेस्ट कर सकती है। तो जल्दी जल्दी मैं अपनी इस कार के अंदर बैठता हूँ। और यहाँ पे गाइज रियली में बहुत ज़्यादा औसम है ये वाली कार, मतलब जितनी सोची थी उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये प्योर गोल्ड की कार है और ये पूरी ही अनब्रेकेबल मटेरियल से बनी हुई है गाइज, और बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो मैं इस कार को यहाँ पे इसके अंदर ध्यान से लोड कर देता हूँ, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती करता हूँ मैं तो यहाँ पे हमको बहुत बड़ा नुकसान देखने को हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इस कार को यहाँ पे पार्क कर दिया और लेस्टर से बोलता हूँ कि यहाँ पे इसका दरवाज़ा बंद करवा देगा वो अपने आदमी से कह के गाइज। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लेस्टर से बोल देता हूँ गाइज जल्दी से जल्दी ही। तो गाइज यहाँ पे वैसे कार वगैरह तो सही रखी हुई है, और लेस्टर यहाँ पे पता नहीं किसकी कार चुरा लाया। तो लेस्टर ने यहाँ पे उसको आवाज़ लगा दी है कि तू अपने इस गेट को बंद कर ले गाइज। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है, हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है गाइज। ये वाला जो ट्रक है बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बुलेट प्रूफ मतलब एक प्रकार आप कह सकते हो, क्योंकि ना ही ये पकड़ में आ सकता है और ना ही दोस्तों इसको पकड़ा जा सकता है। तो लेस्टर यहाँ पे अभी जाने वाला है गाइज, और यहाँ पे हमने अपनी कार को छुपा दिया है और यहाँ पे इसका गेट लग चुका है आप पूरी तरीके देख सकते हो। तो लेस्टर बोल रहा है कि अभी इसको ले जाके कहीं लेस्टर छुपा देगा गाइज। हमारा काम यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी पेमेंट लेके एक बहुत तगड़ी सुपर कार लेने के लिए जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड बाय।